First blood. First blood. तो गाइस सर, फाइनली गाइस सर, आज हमारे फ्री फायर के अंदर गाइस OB35 का अपडेट आ चुका है। एंड गाइस सर, आप लोग जब गाइस गेम अपडेट कर लोगे तो गाइस आपका गाइस सेंसिटिविटी सेटिंग अवे गाइस पूरा का पूरा अलग हो जाता है। जिस सेंसिटिविटी पे आप लोग खेलते रहते हो उस सेंसिटिविटी पे गाइस आप लोग गेम प्ले बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। गाइस अपडेट के बाद वो गाइस फ्री फायर का पूरा जो गाइस मेटा होता है वे गाइस चेंज कर देती है गरीना। तो गाइस मैं आप लोगों को गाइस अपडेट के बाद वाली बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग बताऊंगा जो गाइस मैंने अप्लाई करी। एंड गाइस आप लोग बैकग्राउंड में गेम प्ले देख सकते हो, गेम प्ले गाइस मेरा ये एंड गाइस में बहुत अधिक आराम तरीके से एकदम गाइस वन टैप मारा। तो ऐसे गाइस आप लोग भी बहुत आराम से गाइस वन टैप मार पाओगे अपने एनिमी को। एंड गाइस सारे कस्टम एंड गाइस 1v4 गाइस बहुत इजी आप लोग कर पाओगे। एंड गाइस अपना हेडशॉट रेट भी बहुत इंक्रीज कर पाओगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गाइस यार, आप लोगों को बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग बताने से पहले गाइस आप लोगों को यार मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। एंड वही काम है कि भाई आप लोग यार वीडियो को एक लाइक करके एंड यार चैनल को सब्सक्राइब करके गाइस जो बाजू में बेल नोटिफिकेशन आता है उसको भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। एंड गाइस अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते तो गाइस आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम करने में गाइस यूनिक FF टिप्स, वहां पे गाइस मैं आप लोगों से बहुत आराम से बातें कर लेता हूं। तो इंस्टाग्राम पे जाओ एंड सर्च करो एंड भाई को फॉलो करो और सपोर्ट करो। गाइस बहुत मजा आता है जब गाइस आप लोग ऐसा सपोर्ट दिखाते हो, लिटरली बता रहा हूं गाइस बहुत ज्यादा दिल को सुकून मिलता है। भी आप लोग के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाओ एंड आप लोग का इतना प्यारा सपोर्ट आता है तो गाइस बहुत ही अच्छा लगता है। एंड चलो यार फाइनली गाइस अब वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो गाइस यहाँ पर मैं गाइस ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आ चुका हूँ। एंड गाइस जब आप लोग अपना गेम अपडेट कर लो तो गाइस आप लोग की सेंसिटिविटी सेटिंग कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। तो गाइस आप लोग यहाँ पर सेंसिटिविटी सेटिंग को रीसेट कर लेना एक बार फिर से। तो गाइस यहाँ पर देखो गाइस मैंने जर्नल को एकदम कम कर रखा है 0। तो गाइस जो मेरी मूवमेंट स्पीड है वे गाइस बहुत टाइट हो रखी है। जब गाइस मैं इसको यहाँ पर फुल करता हूँ तो गाइस मेरी जो स्क्रीन है वे गाइस यहाँ पर बहुत ज्यादा स्मूथ हो गई। तो गाइस मेरी मानो तो गाइस आप लोग जो गाइस जर्नल की सेंसिटिविटी है उसको गाइस आप लोग यहाँ पर 100 करके रखना। इससे गाइस आपका क्या फायदा होगा गाइस कि जो आप लोगों की स्किन है वे गाइस बहुत स्मूथ घूमेगी। अपडेट के बाद गाइस आप लोगों को इसको यहां पर 100 रखना है, ठीक है। और उसके नीचे गाइस रेड डॉट को मैंने अभी 85 रखा, ठीक है। अब गाइस मैं रेड डॉट को वहां पे 85 पे ही छोड़ देता हूं। एंड गाइस यहां पर देखो मैं कोई भी एक गन लेता हूं, जैसे मैंने डेजर्ट टिकल ले ली, ठीक है। एंड गाइस जब मैं यहां पर गाइस इसको फायर कर रहा हूं तो गाइस मेरा एम जो गाइस लॉक नहीं हो रहा है प्रॉपर, वहां पर गाइस पूरा मुझे हेड पे एम ले जाना पड़ रहा है तब जाके मेरा वहां पे वन टैप कनेक्ट हो रहा है। तो गाइस मेरी मानो तो गाइस आप लोग रेड डॉट को फुल कर देना, इससे गाइस आप लोग का एम लॉक होता है। एंड गाइस आप लोग का गाइस मतलब वन टैप लगना बहुत इजी हो जाता है। फिर गाइस यहां पर 2S स्कोप है तो गाइस देखो मैंने 2S स्कोप एकदम कम कर दिया। एंड गाइस अब एक गन लेके मैं आप लोग गाइस यहां पे पूरा प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो गाइस यहां पर मैंने एक गन ले ली। एंड गाइस देखो अब मैं यहां पर करूंगा गाइस फायर, ठीक है। अब गाइस मैं स्कोप करके देखो गाइस मैं फायर कर दो, गाइस मेरा मतलब स्कोप गाइस बहुत ज्यादा टाइट हो रखा है, वे गाइस घुमाने में मुझे बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही है। लेकिन गाइस जैसे मैं यहां पे क्या करूंगा भाई, सेंसिटिविटी में जाऊंगा एंड 2S स्कोप को गाइस यहां पर मैं करूंगा फुल, ठीक है। एंड गाइस देखो अब स्कोप करके भाई कितना इजी रोटेट हो रहा है भाई, मतलब यार रोटेट करने में कहीं प्रॉब्लम हो रही है। एंड गाइस जब मैं इसको फुल कर देता हूं गाइस रोटेट हमारा बहुत इजी हो रहा है, ठीक है। तो गाइस इसको आप लोगों को फुल रखना है। एंड गाइस फिर हमारा गाइस 4x स्कोप है तो गाइस 4x स्कोप में भी वही मेटा काम करता है जैसे गाइस मैंने यहां पे इसको 0 किया। तो गाइस चलो अब मैं इसके अंदर गाइस 4x स्कोप लगाऊंगा एंड इसके बाद गाइस मैं आप लोगों को यहां पे इसका प्रैक्टिकल दूंगा, ठीक है। तो गाइस अब इसके अंदर मैंने यहां पर 4x स्कोप ऐड कर दिया। अब देखो गाइस मैं यहां पर स्कोप करता हूं, ठीक है। अब गाइस देखो मैं यहां पर गाइस स्कोप करूं तो गाइस बहुत ज्यादा मतलब टाइट हो रहा है, ये घूम नहीं रहा अच्छे तरीके से, ठीक है। लेकिन गाइस जैसे मैं अपनी सेंसिटिविटी ओपन करूंगा एंड गाइस यहां पर मैं जैसे इसको 100 करूंगा फिर गाइस आप लोग यहां पर जादू देखना भाई, कितने इजी रोटेट हो रहा है। आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा जो आप गाइस वीडियो देख रहे हो तभी, लेकिन गाइस आप लोग यार ट्रेनिंग ग्राउंड में जाकर एक बार ट्राई भी करें। तो गाइस इसको आप लोगों को हमेशा फुल रखना है, ठीक है। तो गाइस अब अगला हमारा स्नाइपर स्कोप। तो गाइस अभी स्नाइपर स्कोप का मैंने गाइस थोड़ा कम कर रखा है, 100 से गाइस यहां पर कम करा है, ठीक है। अब गाइस मैं यहां पर स्नाइपर का स्कोप लगा रहा हूं तब गाइस ये भी बहुत टाइट रोटेट हो रहा है, गाइस इजी रोटेट नहीं हो पा रहा। लेकिन
लेकिन गाइस जैसे मैं इसको यहां पर गाइस फुल करता हूं 100, ठीक है। अब गाइस देखना स्कोप कितनी सिंपली गाइस यहां पर रोटेट हो रहा है। तो गाइस यही है भी आप लोग को हमेशा अपनी सेंसिटिविटी को गाइस हमेशा फुल रखना चाहिए, कभी भी आपको कम नहीं करना चाहिए। और गाइस आपके पास आईफोन है तो गाइस आप लोग फुल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन गाइस फिर फ्री लुक का ऑप्शन आता है यहां पर, आप लोग देखो गाइस जैसे मैं फ्री लुक को गाइस यहां पर गाइस मतलब जीरो करता तो गाइस ये भी बहुत टाइट रोटेट हो रहा है। लेकिन गाइस जैसे मैं सेंसिटिविटी में जाके यहां पर 100 करता हूं, भाई देखो कितनी इजी रोटेट हो रहा है। तो गाइस आप लोग को अपनी सेंसिटिविटी को हमेशा ही 100 रखना है, कभी भी गाइस 100 से कम नहीं रखना। और गाइस आपके पास आईफोन है, ठीक है, आईफोन है तो गाइस आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, आईफोन की जानकारी मुझे नहीं है, ठीक है। ऐसे गाइस अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज सर वीडियो को एक लाइक करके एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मिलेंगे एक और नई ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय एंड गाइस टेक केयर।